मैंने आपको कल बताया था, दे आर थ्री की एरियाज इन ह्यूमन डेवलपमेंट. फर्स्ट वन इज एक्सेस टू रिसोर्सेज, सेकेंड वन इज हेल्थ, एंड थर्ड इज एजुकेशन. जब भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, तो हमें इन तीन जो एरियाज हैं, जो ये थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इन्हीं को हम डिटेल में जो है स्टडी करते हैं, और फिर उस पे जो है मार्किंग होती है, और तब जाके किसी भी कंट्री को या स्टेट को जो है ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर असाइन किए जाते हैं. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट, आप इनको की एरियाज कह लो, या फिर आप इनको इंडिकेटर्स कह लो, है ना, तो ये या एस्पेक्ट्स कह लो. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, इंडिकेटर्स एंड एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. जिस भी कंट्री में ये तीनों ही चीजें पॉजिटिव होंगी, बेहतर होंगी, उस कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट बेहतर होगा. और जिस कंट्री में ये तीनों ही एस्पेक्ट जो है नहीं, अगर बहुत अच्छे नहीं है, तो वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा. अब इन तीनों में भी कई चीजें हम मेजर करते हैं, कई चीजों को मेजर किया जाता है, तो उनको भी हम जो है देखेंगे कि वो क्या चीजें जिनको मेजर किया जाता है. वेरी ऑफन पीपल डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक इवन बेसिक चॉइसेस. दिस मे बी ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, देयर मटेरियल पॉवर्टी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बार की जो लोग होते हैं, वो बहुत ही बेसिक जो होता है वो भी चॉइसेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना. दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक इवन बेसिक चॉइस. दिस मे बी ड्यू टू देयर इनएबिलिटी. क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि या तो उनके पास उतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, या तो उनके पास मटेरियल पॉवर्टी है, या तो सोशली डिस्क्रिमिनेटेड है. जैसे अगर एक गरीब परिवार है, तो वो अपने उसके पास इतनी चॉइस नहीं होती कि वो अपने बच्चे को कौन से स्कूल में पढ़ाए, ठीक है ना. जैसे कि आप लोग हैं, या फिर जो वेल टू डू फैमिली होती है, उसमें जो है चॉइसेस होती हैं, वो कहते हैं कि हम तो अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाएंगे, इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, या तो कभी कभी तो फॉरेन कंट्री भी भेज देते हैं, ठीक है ना, एजुकेशन एक्वायर करने के लिए. लेकिन जो गरीब परिवार के लोग होते हैं, उनके पास हाई जो है फॉरेन कंट्री तो छोड़ो, इंडिया में भी जो है पढ़ाने के लिए जो है चॉइसेस नहीं होती है. जो उनके पास नियरेस्ट मान लो प्राइमरी स्कूल है, या फिर जो भी उनके पास स्कूल होता है, उसमें वो भेजते हैं. और इनफैक्ट उस वहां तक भेजने के लिए भी उनके पास जो है रिसोर्सेज नहीं होते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि या तो उनके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, या तो उनके वो गरीब है, या तो उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. देन इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड अदर रीजंस. या तो जो गवर्नमेंट है या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है. दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम लीडिंग हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू गेट एजुकेटेड और टू हैव द मींस टू अ डिसेंट लाइफ. जिसकी वजह से इस तरह के लोग जो होते हैं ना, उनकी लाइफ बहुत हेल्दी होती है, ना तो वो पढ़ लिख पाते हैं, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ लिख पाते हैं, और उनको जो है डिसेंट लाइफ जीने का मौका नहीं मिल पाता है, ठीक है. बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इज एन इम्पॉर्टेंट इन एनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री, चाहे वो गवर्नमेंट हो, क्योंकि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की होती है. तो गवर्नमेंट को जो है अपनी कंट्री में ऐसे जो है सिचुएशंस क्रिएट करनी चाहिए, ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए अपने नागरिकों को, ताकि वो अपनी जो डिसीजन है वो खुद ले सके, और वो उनकी लाइफ हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज जो है वो उनके पास उनकी जो है बेहतर हो सके, ठीक है ना. उनकी हेल्थ भी बेहतर हो सके, उनके देश जो कंट्री के जो सिटीजन हैं, एजुकेशन भी उनकी अच्छी हो सके, एंड जो है उनकी रिसोर्सेज तक पहुंच हो सके. तो ये सब कब हो सकता है? जब गवर्नमेंट जो है प्रॉपर कंडीशन जो है जनरेट करती है. इफ पीपल डू नॉट हैव कैपेबिलिटीज इन दीज एरियाज, देयर चॉइसेज ऑल्सो गेट्स लिमिटेड. अगर लोग कैपेबिलिटी क्या होती है, क्षमता, ठीक है, अगर लोगों की क्षमता इन क्षेत्रों में नहीं है कि वो बेहतर तरीके से, मतलब उनका स्वास्थ्य ठीक रह पाए, वो अच्छी पढ़ाई कर सके, या फिर रिसोर्सेज तक उनके अगर पहुंच नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जो है आपके देश में ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एन एजुकेटेड चाइल्ड कैन नॉट मेक द चॉइस टू बी अ डॉक्टर बिकॉज हर चॉइस हैज गॉट लिमिटेड बाय हर लैक ऑफ एजुकेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है, ठीक है ना, वो ये कहे कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ या मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तो क्या वो बन सकता है? नहीं बन सकता है. क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि उसने जो है वो पढ़ाई की नहीं है, ठीक है ना, उसके उसने एजुकेशन ही रिसीव नहीं की है, तो वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता है. तो इसका मतलब क्या है कि जो वो बनना चाहता है डॉक्टर या इंजीनियर, वो किस तरह से उसका लिमिटेड हो गया, मतलब क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है. अगर वो बच्चा एजुकेटेड होता, पढ़ा लिखा होता, तो वो जो है डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता था. तो उसकी जो चॉइस थी वो लिमिटेड हो गई, वो उस चीज को अचीव नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन. सिमिलरली, मान लो मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, ठीक है ना, मैं बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, 12th में भी अच्छा मैंने किया है सब में, और मैंने मतलब मेडिकल फील्ड में भी मैंने निकाले, या फिर मैंने IIT में निकाल लिया है, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, बट अगेन मैं एडमिशन नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं कॉलेज में जो है अपना एडमिशन करा पाऊँ,
इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कैपेबिलिटी होते हुए भी मैं क्यों नहीं कर पा रही, बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरी चॉइस क्या होगी, अगेन लिमिटेड होगी, बिकॉज आई डोंट हैव द एक्सेस टू रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है ना। तो सिमिलरली वेरी ऑफन पुअर पीपल कैन नॉट चूज टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिजीज बिकॉज देयर चॉइस इज लिमिटेड बाय देयर लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो एक अनदर एग्जाम्पल इसका यही है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल किसी को बीमारी हो रखी है, किसी गरीब परिवार के इंसान को, अब वो पता है कि वो बीमारी जो है क्यूरेबल भी है, लेकिन थोड़ा इलाज में ज्यादा खर्चा होगा, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अच्छे हॉस्पिटल में अपने बच्चे जो है फैमिली मेंबर का इलाज करा पाए, तो इस केस में क्या होता है, अगेन उनको सफर करना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे सिचुएशन होती है लाइफ में जहाँ पे हमारी जो चॉइसेस होती है वो लिमिटेड हो जाती है, हम वो जो है चीजें नहीं एक्वायर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ वन और दी अदर रीजन, क्योंकि या तो हमारे पास मतलब हम गरीब हैं, पैसे नहीं हमारे पास, या तो हम अनपढ़ हैं, है ना, तो ऐसी रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास, हम या तो पढ़े लिखे नहीं है। तो अगर आप मान लो सिमिलरली जैसे कि आपको कोई जॉब करनी, जॉब मिली है, ठीक है ना, पता अच्छी खासी जॉब मिली है, लेकिन वो जो मैं तीनों सिचुएशन में आपको बता रही हूँ है ना, एक हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। तो एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज का मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि एक क्योंकि आप गरीब हो इसीलिए आप अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, या फिर आप अपने फैमिली मेंबर का इलाज नहीं करा पा रहे हो ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, पैसे नहीं है आपके पास, तो एक ही सिचुएशन हो गई। दूसरा क्या हो गया कि आपका एजुकेशन, कि आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो लेकिन आप क्यों नहीं बन पा रहे, क्योंकि आपके पास वो एजुकेशन नहीं है, आप पढ़े लिखे ही नहीं हो। थर्ड क्या होता है कि आप जो है आपको कहीं जॉब लग गई है, आप वहां जाके नौकरी करना चाहते हो, आपके घर से दूर है वो एरिया जहाँ पे आपकी नौकरी लगी है, अच्छी खासी जॉब लगी है, लेकिन आप नहीं जा पा रहे, क्यों, क्योंकि आपकी हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। आप जानते हो कि मैं अगर वहां चला गया या चली गई तो मैं उसको संभाल नहीं पाऊंगी, क्योंकि क्योंकि मेरी हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो आपने देखा कि तीनों ही कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं होती एक इंडिविजुअल की तो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए एक देश के नागरिकों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, और उनकी एक्सेस टू रिसोर्सेज जो है पहुंच होना बहुत जरूरी है, ताकि उनको जो है मतलब वो अपने ताकि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके और वो जो लाइफ में करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को पर्पसफुल बनाना चाहते हैं, वो उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और जिस भी कंट्री में तीनों चीजें फुलफिल होती हैं तो उसी देश में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट माना जाता है। और अगर इनमें से कोई भी चीज पूरी नहीं हो रही है, मान लो लोग हेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं, बट गरीब है, गरीबी उस देश में, तो भी आपका ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास रिसोर्सेज भी है प्लस आप एजुकेटेड भी हो, लेकिन अगर आपके देश के नागरिक बीमार पड़ते हैं, हेल्दी नहीं है, तो भी आपका ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। तो ये तीनों ही एस्पेक्ट्स का फुलफिल होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इन एनी कंट्री इट इज इंटरेस्टिंग टू सी विच ग्रुप द मोस्ट ऑफ द पीपल ड्रॉप आउट बिलोंग टू, दिस शुड देन लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन फॉर सच बिहेवियर। इन इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ वेमेन एंड पर्सन, अच्छा ये तो दूसरा ही वो स्टार्ट हो गया। अच्छा इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आती है, तीनों एस्पेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सो एन इंडिविजुअल शुड बी एजुकेटेड, ही शुड बी हेल्दी एंड ही शुड हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज टू लीड अ बेटर एंड पर्पसफुल लाइफ। तो ये हमारा उतना कवर हो गया जो मैंने अभी तक पैराग्राफ आपको बताया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, द फोर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास जो है उसके चार स्तंभ होते हैं, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उनमें से एक भी आ सकता है, सारे भी आ सकते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मतलब जो मानव विकास है उन्हीं चार खंभों के ऊपर खड़ा है। भाई देखते हैं पहला खंभा क्या है। पहला स्तंभ जो है वो है इक्विटी। इक्विटी मीन्स इक्वेलिटी, ठीक है। इक्विटी रिफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरी बडी, ठीक है। एक कंट्री में क्या होना चाहिए कि जितने भी रिसोर्सेस प्रेजेंट हैं, ऑल द सिटीजंस ऑफ द कंट्री शुड हैव इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेस। द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पीपल मस्ट बी इक्वल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, इनकम एंड द इन इंडियन केस कास्ट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो इक्विटी मतलब क्या होता है, इक्वेलिटी इट मींस जो भी रिसोर्सेज एक देश में प्रेजेंट है, द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अ कंट्री शुड बी इक्वली अवेलेबल टू ऑल द पीपल, एंड देर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रेस, इनकम, कास्ट, किसी भी तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर खाद्य पदार्थ है ना, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी है, या फिर कोई भी चीज आपके देश में मौजूद है, तो उसपे चाहे किसी भी रिलीजन का हो, चाहे कास्ट का हो, चाहे जेंडर का हो, सब जो हर व्यक्ति का उस पर बराबरी का अधिकार होना चाहिए। अगर मान लो ऐसा है कि आपने सिर्फ जो पुरुष हैं
उनको ही आप अधिकार दे, उन्हीं को अधिकार है, या फिर जो खाने पीने का भी अधिकार पहले उन्हीं का है, उसके बाद या फिर उनको नौकरी का अधिकार भी पुरुषों को दिया गया है, या फिर हाई कास्ट जो ग्रुप है उनको जो है सारे अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है ना, तो उस केस में ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर तो लोअर कास्ट है, या फिर जो जेंडर इनइक्वेलिटी अगर आपके देश में है, महिलाओं के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो फिर उस केस में महिलाएं भी परेशान है, जो लोअर कास्ट है वो परेशान है, तो फिर आपके देश में ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ है ना। तो इसीलिए चाहे कोई भी बेसिस हो, चाहे रेस हो, इनकम हो, जेंडर हो, कास्ट हो, किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और हर व्यक्ति को जो है रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए इक्वली, ठीक है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। ये टर्म आप याद रखेंगे, इक्विटी मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन अ कंट्री विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप इंडिया में देखेंगे तो स्कूल्स में मैक्सिमम जो ड्रॉपआउट रेट्स होते हैं, ड्रॉपआउट रेट्स मतलब क्या होता है कि 5वीं क्लास तक आते आते बहुत बच्चे जो होते हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो जिस भी रीजन से छोड़ दे, स्पेशली उनमें कौन होती है, महिलाएं होती हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एंड पर्सन बिलोंगिंग टू सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, ठीक है। तो जब हमने ये देखा कि स्कूल हमारे इंडियन स्कूल्स में से, सरकारी स्कूलों में से ही देखते हैं हम लोग कि कितने मैक्सिमम ड्रॉप आउट कौन कर रहा है, मतलब कौन छोड़ देता है स्कूल एक सर्टेन क्लास के आने के बाद, 5वीं या 8वीं के बाद, तो उसमें पता चला कि महिलाएं और वो लोग, लड़के भी, लेकिन वो जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं, मतलब या तो लोअर कास्ट के हैं या तो गरीब घर से हैं, तो वो जो होते हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। दिस शोज हाउ द चॉइसेस ऑफ दीज ग्रुप्स गेट्स लिमिटेड बाय नॉट हैविंग एक्सेस टू नॉलेज, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि इनको जो है इक्वल जो है चांस नहीं मिल रहा है स्कूल में पढ़ाई करने का, देर इज नो इक्वेलिटी इन एक्सेस टू नॉलेज। जो अमीर घर के बच्चे होते हैं उनको तो भाई हाई फाई स्कूल से लेके फॉरेन कंट्री तक की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनको नॉलेज जो है अटेन करने की सुविधा नहीं होती है, इवन इन गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल्स। तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। देन नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबिलिटी, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मतलब तो गवर्नमेंट काफी चीजें कर दी है, बहुत सारे मतलब चीजें अभियान चलाए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स निकाले ताकि गरीब से गरीब बच्चे को भी जो है एजुकेशन मिल सके, तो कोशिश बहुत की जाती है, लेकिन बहुत बार होता है कि ड्रॉप आउट हो जाता है। सस्टेनेबिलिटी मीन्स कॉन्टिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अभी सस्टेनेबिलिटी वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, सतत पोषणीयता, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज, जो भी रिसोर्सेज आज के टाइम में मौजूद हैं, उनको इस तरह से इस्तेमाल करना कि वो आगे की जो जनरेशन है उनको भी अवेलेबल हो सके, ठीक है। इसका मतलब कि हमें कोई भी रिसोर्स है, चाहे वो हमारे इन्वायरमेंट है, चाहे हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स है, जो भी है, उनको हमें बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही प्लानिंग के साथ यूज करना चाहिए, ताकि उनका वेस्टेज ना हो सके, और उनको हम जो है आगे वाली पीढ़ी के लिए भी उसको हम बचा के रख सके। अगर हमने रिसोर्सेस को मिसयूज किया तो क्या होगा कि जो आने आगे आने 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 वाली जनरेशन है उनको जो है प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए सस्टेनेबिलिटी जो है, आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत आ रखा है, इट मीन्स कि हमें डेवलपमेंट करना चाहिए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, ना तो हमें इन्वायरमेंट को डैमेज करना चाहिए, और हमें रिसोर्सेज को भी अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, प्रॉपरली हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आगे की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उनको भी सेम अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो पाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सस्टेनेबिलिटी मीन्स कॉन्टिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आज मौजूद है वही अपॉर्चुनिटीज कल भी मौजूद हो सके, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जब आप अपना आंसर लिखोगे ना, तो वो जो बेसिक वर्ड है उसको जरूर एक्सप्लेन करना है, जैसे आपने इक्विटी में एक्सप्लेन किया, इक्विटी इन अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, इक्विटी डैश जाके आप लिखना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। वैसे सस्टेनेबिलिटी का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है कॉन्टिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो ये लाइन तो पहले लिखना ही लिखना, उसके बाद जाके आप एक्सप्लेन करना कि इन्वायरमेंटल जो भी रिसोर्सेज है दे शुड बी प्रॉपरली यूज्ड विदाउट एनी वेस्टेज एंड मिस यूज, सो दैट फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो यू नो इंजॉय दीज अपॉर्चुनिटीज। देन अ गुड एग्जाम्पल इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। अब सस्टेनेबिलिटी का इन्होंने क्या उदाहरण दिया है, कि जो गर्ल्स होती हैं उनको स्कूल भेजना बहुत जरूरी होता है,
इफ अ कम्युनिटी डज नॉट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग इट्स गर्ल चिल्ड्रन टू स्कूल मेनी अपॉर्चुनिटीज विल बी लॉस्ट टू दीज यंग वुमेन व्हेन दे ग्रो अप. ठीक है, ये मतलब बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हमने बचपन से ही लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा पढ़ने के लिए तो क्या होगा, जब तक वो बड़े होंगे उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं बचेगी. अगर एक महिला नहीं बच्ची नहीं पढ़ेगी तो क्या होगा, आगे चल के ना वो कोई जॉब कर पाएगी और जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसके सामने होते हुए भी वो उसको अटेन नहीं कर पाएगी. ठीक है, उनका ना करियर बन पाएगा, उनकी करियर की चॉइसेस भी लिमिट जो है खत्म हो जाएंगी. तो इसीलिए जो है लड़कियों को बचपन से स्कूल भेजना जरूरी है ताकि वो पढ़ लिख सके और अपना करियर बना सके, ताकि उनकी पूरी लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाए. और आप जानते हो कि जिस घर में एक लड़की पढ़ गई, महिला पढ़ गई, तो वो अपने जो आगे की जनरेशन होती है उसको भी जरूर पढ़ाती है, अपने वो अपनी लड़की बेटी को भी पढ़ाएगी, आगे की जनरेशन उसकी पूरी इम्प्रूव हो जाएगी. ठीक है, तो इस कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें गर्ल चाइल्ड को स्कूल भेजना बहुत जरूरी है. थर्ड जो स्तंभ है वो है प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्शन, ह्यूमन लेबर. ठीक है, मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क. मतलब कि एक मनुष्य जो होता है वो कितना प्रोडक्टिव है, कितना क्रियाशील है, कितना कार्य कर सकता है, ये कहते हैं ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोच सकते हो कि आप मतलब कोई भी आप मान लो किसी कोई आपका फर्म है, कोई आप बिजनेस कर रहे हो या कोई भी कहीं आप खेती करते हो, आपने अपने खेत में किसी दो लेबर्स को लगाया. ठीक है ना, अब आप देख रहे हो कि एक घंटे में ही एक लेबर जो है चार गुना काम कर रहा है और दूसरा जो है वो उसके बराबर का नहीं कर पा रहा. इसका मतलब क्या है कि जो बहुत ज्यादा काम कर रहा है ही इज मोर प्रोडक्टिव देन दी अदर वन. ठीक है, तो या फिर आप वैसे एग्जाम्पल देख सकते हो कि एक जो अनपढ़ आदमी होता है, ठीक है ना, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो इतना प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है इन मतलब हर जगह तो ऐसा नहीं है क्योंकि अनपढ़ लोग भी दूसरे काम कर सकते हैं, मान लो बिजनेस कर सकते हैं या फिर, लेकिन एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि एक जो व्यक्ति है वो मान लो नहीं पढ़ा लिखा है, ठीक है ना, तो वो इतना जो है अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा एज कम्पेयर टू दोज पीपल हु आर एजुकेटेड. मान लो किसी ने कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लेके बैठा हुआ है, कोई आपका डॉक्टर बना हुआ है, तो वो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं और जो ट्रेनिंग करके बैठे होते हैं वो ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं एज कम्पेयर टू दोज जिनके पास ना कोई ट्रेनिंग है और ना जो कि एजुकेटेड है. ठीक है, आपने ह्यूमन कैपिटल का नाम सुना होगा पहले, तो इसीलिए जो किसी भी देश के नागरिक होते हैं उनकी उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना काफी इंपॉर्टेंट है, उनकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि उसको एनरिच करना बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज इन द पीपल. तो ये प्रोडक्टिविटी है या फिर कैपेबिलिटी है, इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, जो है उनको बेटर नॉलेज देके, देन उनकी हेल्थ जो है स्टेटस उसको इम्प्रूव करके हम उनकी वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, अब मान लो कि मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि एक अनपढ़ व्यक्ति कंपैरिजन में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो बेहतर काम कर सकता है और फिर देश की नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर सकता है, और जो अनपढ़ आदमी है वो एक बोझ की तरह रहेगा क्योंकि काम नहीं करेगा तो जो नेशनल इनकम में भी सपोर्ट नहीं करेगा, तो ना तो वो अपने घर के लिए फायदेमंद है ना वो देश के लिए फायदेमंद है. सिमिलरली अगर एक बीमार आदमी है तो वो उसको जॉब होते हुए भी अगर वो नौकरी पे नहीं जा पा रहा है ना, महीने में अगर मान लो 10 दिन बीमार बैठा हुआ है तो भी वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा. तो इसीलिए व्यक्ति का स्वस्थ होना जरूरी है, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो एफिशिएंटली काम कर सके और प्रोडक्टिव हो सके. मतलब ही शुड बी अ एसेट नॉट अ लायबिलिटी फॉर द फैमिली एंड द कंट्री. ठीक ना, हर आदमी प्रोडक्टिव व्यक्ति को ज्यादा पसंद. आपके मान लो आपके आप कोई बिजनेस चला रहे हो, आपके कंपनी में जितने भी वर्कर्स होंगे उनमें जो ज्यादा काम करता होगा ना वो आपका आप उसे सबसे अच्छा मानोगे क्योंकि आपको लगता है ये बहुत प्रोडक्टिव है, ये बहुत जो है ज्यादा काम करता है, सपोर्टिव है ना. तो इसलिए जो व्यक्ति प्रोडक्टिव होता है उसी को मतलब मेनली सब लोग अप्रिशिएट करते हैं. प्रोडक्टिविटी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज इन पीपल, लोगों को सक्षम बनाना. और सक्षम हम कैसे बना सकते हैं, उनको पढ़ा लिखा कर, उन्हें एजुकेशन दे के, नॉलेज की एक्सेस होकर, बेटर हेल्थ फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करके. देन थर्ड फोर्थ है हमारा एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस. ठीक है, जैसे आपने सशक्तिकरण सुना होगा तो बेसिकली महिलाओं का सशक्तिकरण हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन सशक्तिकरण जो है या एम्पावरमेंट है, देखो एम्पावरमेंट पावर है ना, तो पावर यहाँ पे यह होता है कि एम पावर मतलब आई एम माई सेल्फ पावर, मतलब अपने आप को पावरफुल बनाना, इन सेंस कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं. ठीक है ना, अगर कोई भी व्यक्ति अपने डिसीजन खुद ले सकता है, ही इज फ्री टू टेक हिज ओन डिसीजन, और उसको सही और गलत का मतलब पता है, तो इसका मतलब क्या है कि ही इज एम्पावर्ड. Empowerment means to have the power to make choices, है ना?
चॉइस लेने का अगर अंदर आपके अंदर क्षमता है, सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। और जो है चॉइस लेने की जो है हमारे अंदर जो है कैपेबिलिटी कैसे जनरेट होती है, हमारे अंदर ये चीज कैसे आती है, जब हम आजाद होते हैं सोचने के लिए और हमारे अंदर क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, तब हम बेहतर चॉइस कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एक एक लड़की है घर में, और अगर उसके उसको फ्रीडम है अपने घर में कि वो क्या बनना चाहती है आगे चलकर, तो फिर जो है वो एम्पावर्ड मानी जाएगी। ठीक है ना, मान लो कि उसने कहा कि मुझे जो है आगे चल के इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना है ना, तो उसकी फैमिली ने अगर उसको सपोर्ट किया, ठीक है, उसने उसने डिसीजन ले लिया कि मुझे भाई डॉक्टर बनना है, तो इसका मतलब क्या, शी इज एम्पावर्ड बिकॉज शी इज मेकिंग हर चॉइस टू बिकम अ डॉक्टर, एंड उसकी फैमिली ने अगर सपोर्ट कर दिया तब तो और अच्छी बात है ना। लेकिन मान लो कि वही दूसरी तरफ एक जो है सेम केस में वो जो लड़की है वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती है, बट उसको उसको फ्रीडम नहीं है उसके घर में, उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं कर रहे, उसको बस बस उनका ये था कि पढ़ लिख गई शादी करने के लिए, इसको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब शी इज नॉट फ्री टू टेक हर ओन डिसीजन, उसकी शादी करवा दी गई है ना। जो है उसको आगे उसका करियर बनाने की जगह पर उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी करा दी, इसका मतलब क्या था कि वो लड़की इतनी फ्री नहीं थी कि वो अपना डिसीजन खुद ले पाती, अपना चॉइस जो है खुद कर पाती, तो उस केस में वो एम्पावर्ड नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना, तो एम्पावरमेंट जो है वो आजादी से आता है और कैपेबिलिटी से आता है, जब हम आजाद होते हैं अपने डिसीजन खुद खुद लेने के लिए, और हम चॉइस तो तभी लेंगे ना जब हमारे अंदर की क्षमता होगी, जब हमारे अंदर होता है ना ब्रेव, जब हम हिम्मती होते हैं, जब हमारे अंदर क्षमता होती है, तभी तो हम अपने फैसले खुद लेते हैं। एक डरपोक आदमी जो होगा, जो डरने वाला, वो थोड़ा अपना जो है डिसीजन ले पाएगा। तो इसीलिए अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेना, लेकिन वो डिसीजन सही होने चाहिए, गलत और सही की हमें पहचान होनी चाहिए। तो अगर हम अपने चॉइसेस खुद कर पा रहे हैं, डिसीजन खुद ले पा रहे हैं, क्योंकि हम फ्री हैं, हम कैपेबल हैं, तो उस केस में आपको एम्पावर्ड माना जाएगा, इसी को हम एम्पावरमेंट कहते हैं। और हर देश का नागरिक जो है वो एम्पावर्ड होना चाहिए, और एम्पावरमेंट कैसे आता है, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ पर्सन एम्पावर्ड, गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल, द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो एम्पावरमेंट हमें किसका करना होता है, देखो जो अमीर है, जो हाई कास्ट है ना, जो पुरुष है, देखो हमारे देश में पुरुष, देन जो हाई कास्ट है, जो अमीर लोग हैं, वो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, तो हमें एम्पावर्ड करना किसको है, जो पिछड़े हुए लोग हैं हमारे देश में, वो कौन है, जो हमारे एससी हैं, एसटी हैं, या फिर जो और जो आप हमारे गरीब लोग हैं, चाहे हमारी महिलाएं हैं, क्योंकि हमेशा से इन्हीं का शोषण होता हुआ आया है, इनका एक्सप्लॉयटेशन होता हुआ है ना। तो ये आपको इनमें ही कम लोग पढ़े लिखे मिलेंगे, इनमें ही आपको सबसे ज्यादा इनके साथ बुरा होता हुआ है, पुअर लोग भी आपको इन्हीं में मिलेंगे, है ना। तो इन लोगों को एम्पावर करना ही सबसे इम्पोर्टेंट जो है काम है हमारी गवर्नमेंट का, और इसीलिए ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए, ताकि इन लोगों को एम्पावर किया जा सके, ताकि ये लोग पढ़ लिख जाए और अपने डिसीजन खुद ले पाए। और हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए काफी कुछ किया भी, आपने रिजर्वेशन सुना होगा कि एससी एसटी और महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है, तो इसलिए दिया जाता है ताकि उनको भी जो हमारा समाज है, जो हाई कास्ट है, जो पुरुष है, उनके बराबर उनको लाया जा सके। ठीक है, तो ये हमारे जो है फोर कॉन्सेप्ट्स हो गए जो स्तंभ है ह्यूमन डेवलपमेंट के। तो आई होप आपको इसको समझ में आया होगा, और है भी ये आसान। तो अगर ये चार चीजों का होना बहुत जरूरी है, ये चार एक खंबे की तरह है, एक पिलर की तरह है, हु सपोर्ट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इन एनी कंट्री। देश में इक्वेलिटी होनी चाहिए, इक्विटी मीन्स इक्वेलिटी ऑफ रिसोर्सेस, कोई भी ऐसा ना हो कि गरीब अमीर या महिला पुरुष रेस रिलीजन के बेसिस पे आप किसी को भी वंचित करें रिसोर्सेस की पहुंच तक, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे जॉब की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, आप किसी को भी उसे अनदेखा वंचित नहीं कर सकते, आप उसको हटा नहीं सकते, सबको देयर शुड बी इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज फॉर एवरीबडी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो जॉब की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो किसी भी चीज की अपॉर्चुनिटी हो। देन सेकेंड है आपका सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मीन्स कॉन्टिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इट मीन्स दैट द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल फॉर द प्रेजेंट जनरेशन शुड ऑल्सो भी अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन, सो वी शुड डू द डेवलपमेंट वर्क बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट, एंड वी शुड नेवर मिस यूज द रिसोर्सेज। ऑलराइट, अगर हम रिसोर्सेज को मिस यूज करेंगे तो वो आगे की जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा। देन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड बी प्रोडक्टिव, एंड प्रोडक्टिविटी कैन बी अचीव बाय प्रॉपर ट्रेनिंग, एजुकेशन, हेल्थ, है ना। तो
तो जब आपके पास नॉलेज होती है, आप हेल्दी होते हो, तभी आप प्रोडक्टिव होते हो, तभी आप एक्टिवली काम करके अपनी फैमिली और देश को सपोर्ट कर सकते हो। एंड देन लास्ट है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स सिंपली मीन्स कि व्हेन अ पीपल्स कैपेबिलिटी टू टेक इट्स ओन डिसीजन एंड मेक राइट चॉइसेस, एंड दोज चॉइसेस कैन ओनली बी मेड इफ यू आर प्रॉपरली एजुकेटेड, इफ यू आर एजुकेटेड हैं आप, हाँ तभी आप जो है अपने डिसीजन खुद ले पाएंगे। और जो है एम्पावरमेंट किसका करना है, जो लोग हमारे समाज में नीचे हैं, मतलब जिनका शोषण हुआ हुआ है, जैसे महिलाएं, लोअर कास्ट पीपल, ट्राइबल पीपल, है ना, तो ये जो लोग हमारे सोसाइटी में नीचे दर्जे में, उन्हीं को एम्पावरमेंट करना जरूरी है ताकि वो जो है अपने डिसीजन खुद ले पाए। और इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो पीपल ओरिएंटेड जो है प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को निकालती रहती है। सो एम्पावरमेंट बेसिकली मीन्स टू टेक आर ओन डिसीजन एंड टू अंडरस्टैंड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ये आज टॉपिक मैंने इसको फिनिश किया है, और आप इसी को जो है रिवाइज करेंगे और अच्छे से इसको लर्न कर लेंगे ताकि कल तक आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए, ठीक है ना। जो मैंने बता दिया ये चार, तो मैं इसलिए ज्यादा नहीं बता रही हूँ, यही मैंने आपको बताया, तो इसका अच्छे से रटा होना चाहिए कल तक आपको। भले ही मैं आपसे भी पूछ नहीं पा रही हूँ, लेकिन आपको, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में हो, आपको बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है, अगर सिचुएशन सही रही तो इसीलिए